शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए करुणा इंटरनेशनल द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत मैं आपसे शाकाहार के विषय में कुछ बात करने आई हूँ। आप सभी जानते हैं आहार संपूर्ण जीवन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसका व्यक्तित्व निर्माण से घनिष्ठ संबंध है। आहार दो प्रकार के हैं, शाकाहार और मांसाहार। शाकाहार का प्रचलन इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह परिवर्तन जागरूकता के कारण हो रहा है। जैसा इंसान आहार लेता है वैसा ही उसका भाव, विचार और आहार आचार होते हैं। हमारी पश्चिमी दुनिया के अनुसार मुख्य रूप से चार प्रकार के शाकाहारी बताए हैं, जिसमें लैक्टो शाकाहारी भी हैं, मीट मच्छी खाने वाले ओवो लैक्टो शाकाहार भी हैं। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर हम शाकाहार और मांसाहार केवल दो अवधारणाओं को जानते हैं और इसमें मैं पूर्ण रूप से समर्थन करती हूँ शाकाहार का। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस के और बड़े बड़े डॉक्टर और आहार विज्ञानी भी अब ये मानने लगे हैं कि शाकाहारी आहार में हर प्रकार के तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण सभी पाए जाते हैं। शाकाहार में संतृप्त वसा, कोलेस्ट्रॉल और प्राणी प्रोटीन का स्तर कम होता है और कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन सी और ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट तथा फाइटोकेमिकल्स का उच्च स्तर होता है। एक शाकाहारी को हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, गुर्दे की बीमारी, अस्थि सुषिरता जिसे हम ऑस्टियोपोरोसिस के नाम से जानते हैं, अल्जाइमर जैसे मनोभ्रंश और बहुत सारी अन्य बीमारियां कम होती हैं मांसाहारियों के मुकाबले। अतः और साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूंगी, शाकाहारियों और मांसाहारियों की तुलना में शाकाहार जो है वो आपका आपको दीर्घायु करता है, आपको शुद्ध बनाता है और साथ ही साथ आपको बलवान बनाता है। और इस कोरोना काल में तो ये शाकाहार का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो शाकाहार का जो सूत्र है, ये अपने आप में अपने आप को प्रतिस्थापित करता हुआ दिखाई देने लगा है। अपनी रुचि और स्थिति के अनुसार शाकाहार को अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा ढालिए, क्योंकि शाकाहार एक सर्वोत्तम आहार है जो मानव के अंदर संतोष, सादगी, सदाचार, स्नेह, सहानुभूति, समरसता और हाँ करुणा जैसे चारित्रिक गुणों का विकास कर सकता है। भरपूर पौष्टिक खाना शरीर को ऊर्जा देता है जो व्यक्ति को कभी भी मांस से नहीं मिल सकता। शाकाहारी का मन जितना संवेदनशील होता है, जितना करुणा के प्रति होता है, वो एक मांसाहारी व्यक्ति का नहीं हो सकता। एक संतुलित सामाजिक प्रगति के लिए शाकाहार की अनिवार्यता अपरिहार्य है। धन्यवाद।